हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSEU यानी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने UG प्रोग्राम्स के लिए फॉर्म रिलीज कर दिया है और साथ ही साथ अपना ब्राउचर भी रिलीज कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं DSEU में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आप कौन से कैंपस में आप चाहते हैं एडमिशन लेने, उसमें क्या कितनी सीटें हैं, आप हम हर एक कैंपस के अलग अलग सीट में हम सारी डिटेल में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको फी स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। और देखिए, जो बच्चे डिप्लोमा के लिए हैं वो मैंने ऑलरेडी उनके लिए वीडियो बना चुका हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि आपका जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने A to Z डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर वहां से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ तो आपको अगर DSEU द्वारका कैंपस चाहिए तो आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी तब जाके आपको DSEU द्वारका कैंपस मिलेगी, तो ये भी हम मैंने वीडियो उसी वीडियो में बना रखा हूं। और साथ ही साथ मैंने ये भी बता रखा हूं कि मैंने TPO यानी ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर से मैंने बात करी थी और साथ ही साथ मैंने डिस्कस करा था प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, क्या कितने बच्चों को प्लेसमेंट हो चुकी है और किन बच्चों को नहीं हो चुकी है, कितने चांसेस है प्लेसमेंट होने की, सारी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं DSEU ने अपना फॉर्म रिलीज कर चुका है और क्या क्या ब्रोचर में मेंशन किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको DSEU.ac.in पे आ जाना है, यानी DSEU के मेन वेबसाइट पे आ जाना है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, DSEU रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024-25 का ओपन हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने सिंपल ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एडमिशन 2024-25 डिप्लोमा एडमिशन, पर आप डिप्लोमा के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका फॉर्म भी निकल चुका है। रजिस्ट्रेशन कोर्स आफ्टर 10th, और आप 10th क्लास कर चुके हैं तो आप यहाँ पे आप सिंपल इस लिंक पे आप क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं UG प्रोग्राम्स के लिए। देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस कोर्स में आपको 12 पास होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कितने परसेंट आपको लाना पड़ेगा तब जाके आपको इस कोर्स में UG प्रोग्राम से आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो चाहते हैं PG प्रोग्राम से एडमिशन लेने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आप चाहते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो आप इस लिंक पे आप क्लिक करके सिंपल आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आप इस UG अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम पे अभी लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने। तो दोस्तों, यहां पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, आप रजिस्टर करना है, कुछ आपको फिल करना है अपने बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद से फिर जब आप फिल कर देंगे तो यहां पे लॉगिन का बटन दिख रहा है, आप लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करके और फिल कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ब्राउचर के बारे में देखते हैं, ब्राउचर में क्या क्या मेंशन है। तो दोस्तों देखते हैं, पहले सबसे पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का फीस जो है वो 1500 रुपये है। जी दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म फिलअप करने का आपको पैसा देना होगा वो 1500 रुपये लगेंगे, वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। आप फॉर्म भर दिए मतलब भर दिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है ऑनलाइन आप फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चाहते हैं घर से बैठकर आप फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है 15 जून 5:30 से आपको पहले जो है इस फॉर्म को आपको भरना होगा, उसके बाद आप भरेंगे तो कंसिडर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं प्रोग्राम्स ऑफर, मतलब DSEU कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है। अभी UG प्रोग्राम में ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं। ये देखिए दोस्तों, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं। आप चाहते हैं इसमें भी आप पार्टिसिपेट करना तो आप इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। फुल टाइम UG सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, इसका ट्यूशन फी पर सेमेस्टर, ये जो फीस दे रखा है ये एक सेमेस्टर का दे रखा है ये ट्यूशन फी। इसके बाद भी अलग से और भी फीस लगेंगे, वो आगे मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे अलग से और भी पैसे कैसे लगते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स फूड एंड प्रोडक्शन, इसका जो फीस है 10,000 है। सर्टिफिकेट कोर्स रिटेल सर्विस, ये 25,000 आपको देना पड़ेगा ट्यूशन फीस। इसी तरह आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेस हैं, आपको कोर्सेस का फीस इधर दे रखा है पर सेमेस्टर, आपको एक सेमेस्टर का ये फीस दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं UG डिप्लोमा प्रोग्राम्स की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्यूशन फी दे रखा है पर सेमेस्टर का, और यहाँ पे फुल टाइम UG डिप्लोमा प्रोग्राम्स विथ एग्जिट ऑप्शन। आप चाहते हैं कि अगर 3 साल की आपका ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, UG डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, आप चाहते हैं 1 साल में एग्जिट करना तो आप एग्जिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको 1 साल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, UG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स फिटनेस एंड योगा एप्लीकेशन, इसमें आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो आपको 25,000 पर सेमेस्टर आपको पेमेंट देना होगा DSEU को,
ठीक है दोस्तों, इसी तरह देख सकते हैं आपको बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं एक एक कोर्स का नाम लेके अगर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। मैं स्लो स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी 25,000 आपको देना पड़ेगा। ठीक है तो दोस्तों, यूजी डिग्री प्रोग्राम्स इसका अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, 4 ईयर्स का है ये जो यूजी डिग्री प्रोग्राम है, ये 4 साल का है और विथ एग्जिट ऑप्शन। आप चाहते हैं अगर एक साल में ही और छोड़ना तो आप छोड़ सकते हैं, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। ट्यूशन फीस आप देख सकते हैं, जैसे BS ऑटोमेटिक रिटेल मैनेजमेंट 25,000 है पर सेमेस्टर, इसका एक सेमेस्टर की बात हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं, और साथ ही साथ उसका फीस भी देख सकते हैं, एक सेमेस्टर में कितनी फीस लगती है, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा इसके अलावा और भी फीस लगती है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन फॉर यूजी प्रोग्राम्स 2024 एंड 25। तो देखिए दोस्तों, यूजी सर्टिफिकेट, यूजी डिप्लोमा, यूजी डिग्री, इन तीनों के बारे में अगर हम देखें तो इन तीनों में मांग रहा है आपको 12 पास आउट होना चाहिए। आपको कितना परसेंट लाना पड़ेगा 12 पास होंगे, और कितना परसेंट लाना पड़ेगा मैं ये आगे बताऊंगा कि आपको कितना परसेंट 12 में चाहिए तब जाके इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पे तो अभी लिख नहीं रखा है, लेकिन मैं आगे वीडियो में बता दूंगा आपको कि कितना परसेंट चाहिए तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो देखिए दोस्तों, मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूँ, उसके बाद से मैं ये देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, एज पर DSE गवर्नमेंट पॉलिसी द 80% ऑफ द टोटल सीट आर टू बी अलोकेटेड एलोकेटेड फॉर द दिल्ली स्टूडेंट्स एंड रिमेनिंग 15% सीट फॉर द आउटसाइडर कैंडिडेट्स। मतलब इसका क्या कह रहा है, दिल्ली वालों की तो मौज हो गई। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 85%, मतलब 85% जो रिजर्व होगी सीटें, वो दिल्ली के जो बच्चे होंगे, दिल्ली से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए सीटें 85% रिजर्व होगी। उसके बाद से जो 15% जो बचेगी सीटें, वो बाकी स्टेट में उसको बांट दिया जाएगा कि जिन बच्चों को, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, जहाँ से भी है बच्चे, वो आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। वो 15%, इस 15% में वो लड़के अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कैटेगरी वाइज की बात करें तो देखिए देखो, अगर जब हम बात करें कैटेगरी वाइज की, तो ये देखिए दोस्तों, शेड्यूल कास्ट की है जो 15% आपको रिजर्वेशन मिलती है, और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 7.5% आपको रिजर्वेशन मिल जाती है, और अगर जो आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से आप बिलोंग करते हैं तो 27% आपको रिजर्वेशन मिल जाती है। मतलब आपके लिए 27% रिजर्व रहती है सीटें। अब देखिए दोस्तों, EWS के लिए जो है 10% आपकी सीटें रिजर्व रहती है, PWD के लिए 5%, डिफरेंस कोटा वालों के लिए जो है 5%। अब आगे देखते हो दोस्तों आगे क्या है। तो दोस्तों अभी बात करेंगे सीट मैट्रिक्स विथ कैंपस। तो देखिए दोस्तों, कौन से कैंपस में कितनी सीटें हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही साथ देखिए, फुल टाइम यूजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, देखिए ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है, सर्टिफिकेट कोर्स जो है, 1 साल की ड्यूरेशंस की होंगी। ठीक है दोस्तों, आप इधर देखिए, यहाँ पे दे रखा है सीट्स, कितनी सीट्स है, कौन सी ये कैंपस है, कौन से कैंपस, जैसे GSU झंडे वाला कैंपस। यहाँ पे देखिए, ये जो फूड एंड प्रोडक्शन का जो सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे जो सीटें हैं 40 ही सीटें हैं, बस 40 ही सीटें हैं। अगर जब हम बात करें तो और भी देखिए दोस्तों, जैसे DSU झंडे वाला कैंपस, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन रिटेल रिटेल सर्विस, 40 ही सीटें हैं इसमें भी। और अगर जब हम बात करें अंबेडकर DSU सकरपुर कैंपस की, तो इसमें भी 40 ही सीटें हैं, बस 40 ही सीटें हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट कोर्स की बात हो रही है। आप देख सकते हैं हर एक कैंपस में कितनी सीटें हैं, सब कैंपस में 40 40 है, कौन से कैंपस में कौन सी कोर्सेस है आप देख सकते हैं। मैं पूरे एक एक नाम लेकर तो नहीं बता सकता, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप बात करते हैं फुल टाइम यूजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स विथ एग्जिट ऑप्शन। देखिए यूजी प्रोग्राम्स जो, इसका ड्यूरेशन होगा 2 साल की होगा। देखिए दोस्तों, DSU सीरी फोर्ट कैंपस, इसमें जो है आप स्पोर्ट्स, फिटनेस, योगा एंड एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 सीटें हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एग्जिट करना 1 साल के बाद, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा 1 साल की। और यहाँ पे और भी सारे कोर्सेस हैं, और सी कैंपसेस हैं, आप देख सकते हैं, किसी में 40 सीट है, किसी में 80 सीटें हैं, किसी में 60 सीटें हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप एक एक पढ़ लेना स्टॉप करके, और देखते हैं दोस्तों आगे और आगे क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, फुल टाइम यूजी डिग्री प्रोग्राम्स, ये कैंपस का नाम दे रखा है, 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम्स विथ एग्जिट ऑप्शन। इसमें भी आपको एग्जिट ऑप्शंस मिल जाता है, 4 साल की होंगी, आप चाहते हैं 2 साल पे एग्जिट करना, 1 साल पे, 3 साल पे, तो आप कर सकते हैं बेझिझक। आप 1 साल करके भी छोड़ेंगे तो आपको 1 साल को
डिग्री आपको मिलेंगी, 1 साल की सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं पूसा कैंपस में कौन सी कोर्सेस है, 40 सीटें हैं। आप एक एक करके पोज करके आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो हो, तो मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ, आप आराम आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं फीस की। तो देखिए दोस्तों, ये जो फीस है रिफंडेबल है, ये आपको रिफंड हो जाएंगी। ये जो है जनरल मनी है, क्वेश्चन आप तोड़ फोड़ करते हैं तो उसके लिए तो पैसा लेगा ही DSU, आप आके तोड़ फोड़ करके चले जाएंगे ऐसा थोड़ी है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पहले से ही आपसे ले लेगा 1000 रुपए, फिर लेबोरेटरी क्वेश्चन के लिए ले लेगा 2000, लेबोरेटरी मनी ले लेगा वो 500 रुपये। ये रिफंडेबल है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, तोड़ फोड़ कुछ नहीं करते हैं DSU में, तो आपको ये रिफंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अलग फीस की। फी विल बी कलेक्टेड ओनली वंस एट टाइम ऑफ एडमिशन, ये एक बार ही कलेक्ट होंगे, इसके बाद से फिर नहीं लेंगे। लाइक इनरोलमेंट फीस 200 रुपये, ID कार्ड फीस 100 रुपये, ये आपको एक बार ले लिया जाएगा, फिर आपको फिर दोबारा नहीं देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये रिफंड नहीं होगा, मैं ये बता दूं, ये रिफंड नहीं होगा। तो ये देखिए दोस्तों, फीस टू बी कलेक्टेड पर सेमेस्टर, एडमिशन फीस जो है आपको 500 रुपया देना होगा, आपको स्पोर्ट्स फी कितने देने होंगे 500 रुपया देने होंगे, और जो लाइब्रेरी फी की बात करें तो 500 रुपया आपको देना होगा पर सेमेस्टर। ITES फीस जो देना होगा 500 रुपया देना होगा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज फीस आपको 500 रुपया देना होगा आपको DSU को। लाइब्रेटरी फी की मैं बात करूँ तो 1000 आपको देना होगा, डेवलपमेंट फीस की बात करूँ तो 1000 आपको देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फीस जो देना होगा 2000 रुपये आपको DSU को देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखा है 12th पास होना चाहिए विथ 40%, अगर जो आपकी 40% है तो आप एलिजिबल हैं। 10वीं के बाद 2 साल आपने किया है, 12th कर लिया है और आपको 40% से ज़्यादा है या 40% है तो आप एलिजिबल हैं, आप इन इन प्रोग्रामों में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, आप एग्जिट जब चाहे तब कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट DSU देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। तो ये देखिए दोस्तों, सर्टिफिकेट कोर्स ड्यूरेशन जो है इसका 1 साल का है, ये कैंपसेस का नाम दे रखा है, ये सीटें दे रखा है, कौन कौन से कोर्सेस ऑफर करती है, कौन सी कैंपसेस, आप ये सब देख सकते हैं कौन से कैंपस में कितनी सीटें हैं, जैसे 40 सीटें हैं, कुछ में 60 हैं, कुछ में 40 है। ठीक है दोस्तों, और ओवरऑल मिला के मैं बात करूँ तो 540 सीटें हैं आपको सर्टिफिकेट कोर्स की, जिसमें 1 साल की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें अगर जब हम बात करें तो कितनी सीटें हैं, 540। ठीक है दोस्तों, अगर जब हम दूसरे कैंपसेस की बात करें और भी जैसे कोर्सेस हैं तो उनकी फीस देख सकते हैं, यहाँ पर सीट दे रखा है, और ट्यूशन फी पर सेमेस्टर, आपको पर सेमेस्टर कितनी फीस देनी होगी कौन से कोर्सेज में, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर जब मैं पढ़ूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप धीरे धीरे आप देख सकते हैं, अगर जब आप चाहते हैं और भी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना जैसे प्लेसमेंट, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है रिगार्डिंग आपकी एडमिशंस। ठीक है दोस्तों, तो और आप चाहते हैं और भी एक्स्ट्रा एडमिशन से इन्फॉर्मेशन लेना तो आप जरूर लें। ठीक है दोस्तों, और दो वीडियो है, दो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं प्रोग्राम सीट्स एंड ये पर सेमेस्टर कितनी फीसें लग रही हैं, तो आप सारी एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको DSU की मेन वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप ये सारी चीज़ें देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग चुका होगा कि DSU में अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपको कैसे अप्लाई करनी है, आपको फॉर्म का लिंक कहाँ पे मिलेगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, कितनी फीसेस लगेंगी आपकी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। अगर जो आप चाहते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए भी देखना तो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, मेरी दो वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। और चाहते हैं आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, जो कि मैंने प्लेसमेंट से रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूँ, किन किन बच्चों का प्लेसमेंट हो चुकी है उनसे भी मैं इंटरेक्शन किया हूं, आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। दो वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वो दोनों जाके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।